इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीकमगढ़ जिला अस्पताल में और आप देख रहे हैं खबर की तह तक। मैं हूँ प्रशांत सिंह और हमारे आज टीकमगढ़ जिला अस्पताल में चौथा दिन है नर्सों की हड़ताल का। हम आइए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है नर्स जो जिला अस्पताल में हड़ताल का चल रहा है, उनसे बात करते हैं। आप लोगों का क्या मांगे थी? आप लोगों की हम लोगों की प्रमुख मांग यही थी कि ग्रेड पे का वेतन दिया जाए और पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए और हमारे नए जो स्टाफ हैं परिवीक्षा के वाले उनको 70-80% का नियम खत्म करके उनको 100% वेतन दिया जाए और अन्य हमारे स्टाफ को रात्रिकालीन भत्ता दिया जाए। वो रात्रिकालीन यदि आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है तो आप लोग हड़ताल जारी रहेगी क्या? अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। बाढ़ और व्यवस्थाएं जो बिगड़ रही है इसमें आप क्या मानते हैं? अब ये है कि हम लोग भी नहीं चाहते कि बाढ़ में व्यवस्थाएँ बिगड़े, हम लोग भी मरीजों से सहानुभूति रखते हैं लेकिन इसमें हम लोग भी मजबूर हैं। हम लोग 2 साल से इस ज्ञापन के थ्रू सरकार को जताने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरकार कोई सहानुभूति विचार नहीं कर रही, इसलिए मजबूर होकर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं।